बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, वापडा की जानिब से ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लैब असिस्टेंट की पोस्ट आती है, एक असामी है और इसके लिए फैसलाबाद के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन जो है मैट्रिक और साइम में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट या सिविल डिपार्टमेंट की जानिब से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट आती है आया की, जिसके लिए जो है एक असामी है और फैसलाबाद के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल एजुकेशन 18 से 30 साल एज लिमिट। उसके बाद लैब अटेंडेंट की पोस्ट आती है, इसके लिए एक पोस्ट है और जंग स्टेशन के लिए है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन मिडल और 18 से 30 साल एज लिमिट रखेगी। उसके बाद हमारे पास नैब कासिद की पोस्ट आती है, जो कि तादाद सामियाँ 8 और ये भी फैसलाबाद के लिए ही हैं और एजुकेशन मिडल रखी गई है। उसके बाद जो है एज लिमिट 18 से 30 साल। अभी बात की जाए अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियली साइट www.wapda.gov.pk पर जाना है, जहाँ से आपको इनका अप्लाई फॉर्म मिलेगा जिसे आपने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपने इन्हें जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट वापडा हॉस्पिटल फैसलाबाद को बाय जरिया डाक सेंड करनी है वो एप्लीकेशन, और साथ में जो है आपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट लगाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 2 अदद पासपोर्ट साइज पिक्चरें, और साथ में CNIC की कॉपी भी है जो लगा देनी। लगाने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवा लेने हैं और इस एड्रेस पर जो है सेंड कर देने हैं, जो एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।